अमिताभ बच्चन पर लग चुका है 15 साल का बैन, सामने आई थी ये बड़ी वजह। अमिताभ बच्चन भले ही आज बॉलीवुड के शहंशाह कहलाते हैं और मीडिया उनके लिए पलक पावड़े बिछाए रहता है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब इसी मीडिया ने उन्हें करीब 15 साल के लिए पूरी तरह बैन कर दिया था। ये वो दौर था जब देश में इमरजेंसी लगाई गई थी। अमिताभ बच्चन ने कुछ साल पहले खुद अपने ब्लॉग में इस बात का जिक्र किया था कि मीडिया ने उन्हें पूरी तरह बैन कर दिया था। वैसे ये तो सभी जानते हैं कि अमिताभ बच्चन राजीव गांधी के अच्छे दोस्त थे। इमरजेंसी के दौरान कई फिल्मों और फिल्मी दुनिया की कई मैगजीन्स पर बैन लगा तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ा अमिताभ बच्चन को। जब फिल्मी मैगजीन्स पर भी सेंसर लागू कर दिया गया तो इसका गुस्सा सामूहिक रूप से अमिताभ बच्चन पर उतारा गया। नतीजा ये निकला कि मीडिया की तरफ से उन पर एक तरफा घोषित बैन लगा दिया गया। दैश इमरजेंसी के दौर में फिल्मों की खबरें जानने के लिए ना तो अखबार होते थे और ना ही एंटरटेनमेंट चैनल और ना ही सोशल मीडिया। ऐसे में फिल्मी न्यूज के लिए मैगजीन ही एकमात्र जरिया होती थी। मैगजीन्स के एडिटर्स को लगा कि चूंकि अमिताभ बच्चन गांधी फैमिली के बेहद करीबी हैं, इसलिए ये उनकी सलाह पर ही हुआ होगा। दैश जब इंदिरा गांधी 1977 में चुनाव हार गई तो सिने ब्लिट और स्टारडस्ट जैसी बड़ी मैगजीन्स के एडिटर्स ने एक मीटिंग की और फैसला किया कि वो अमिताभ बच्चन की खबरें और फोटो नहीं छापेंगे। ऐसे में कुछ दिनों तक तो अमिताभ को पता भी नहीं चला कि मीडिया ने उन्हें बैन कर दिया है। जब गुस्साए अमिताभ ने ऐसे लिया बदला। दैश बाद में जब अमिताभ को पता चला कि देश के मीडिया ने उन्हें अनऑफिशियली बैन कर दिया है तो गुस्साए अमिताभ ने भी बदला लेने का फैसला किया। उन्होंने किसी भी मैगजीन को इंटरव्यू ना देने और फोटोशूट ना कराने का फैसला किया। बैन की एक वजह ये भी आई थी सामने। भावना सोमाया ने अपनी बुक अमिताभ बच्चन द लीजेंड में इसकी असली वजह बताई है। दरअसल दिलीप कुमार ने स्टारडस्ट मैगजीन के शो का बॉयकॉट किया था। ऐसे में अमिताभ बच्चन ने भी उनका साथ दिया था। जब मैगजीन को पता चला कि इस बॉयकॉट के पीछे यही दोनों हैं, तो दोनों को ही बैन कर दिया गया था। हालांकि बाद में अमिताभ के इसी बैन को इमरजेंसी से भी जोड़ दिया गया। ग्रुप फोटो में खुद ही साइड हो जाते थे अमिताभ। अमिताभ को बैन करने के दौरान आलम यह था कि अगर गलती से किसी फोटो में बिग बी दिख भी जाते थे तो उन्हें या तो छापा नहीं जाता था ये फिर साइड से अमिताभ बच्चन को काट दिया जाता था। ऐसे में अमिताभ खुद ही ग्रुप फोटो या इवेंट में साइड में ही खड़े होने लगे थे ताकि उनकी फोटो छपने से पहले क्रॉप की जा सके। इस तरह अमिताभ पर मीडिया का ये बैन करीब 10 से 15 साल तक चला। इस वजह से झुक गए मैगजीन के मालिक। 1982 में फिल्म कुली की शूटिंग के दौरान जब अमिताभ बच्चन घायल हो गए तो पूरे देश ने मंदिरों, मस्जिदों और गुरुद्वारों में उनके लिए दुआएं मांगी। फिल्मी मैगजीन के मालिकों ने भी अमिताभ को लेकर फैंस की दीवानगी देखी तो पिघल गए। खुद स्टारडस्ट के मालिक नारी हीरा ने अमिताभ बच्चन की तबीयत पूछी और उनका हाल चाल जाना। इसके बाद स्टारडस्ट ने बैन हटाते हुए अमिताभ बच्चन पर एक स्पेशल एडिशन भी निकाला। बैन हटने की बात पर अमिताभ को मिला था ये जवाब। जब अमिताभ बच्चन ठीक हो गए तो वो स्टारडस्ट के मालिक नारी हीरा से मिलने पहुंचे। अमिताभ ने उनसे पूछा, आप तो मुझसे नाराज थे, फिर आपने मुझ पर ये आर्टिकल क्यों लिखा? इस पर नारी हीरा ने अमिताभ से कहा, हम ये तो चाहते थे कि आप फेल हो जाएं, लेकिन ये कतई नहीं चाहते थे कि आप मर जाएं। हालांकि इस मीटिंग में दोनों के गिले शिकवे तो दूर हो गए, लेकिन मीडिया का बैन अब भी चलता रहा। जब अमिताभ ने दी ये सफाई तब कहीं जाकर हटा बैन। अब भी मीडिया ने अमिताभ को और अमिताभ ने मीडिया को बैन कर रखा था। इसी बीच 1989 में अमिताभ का नाम बोफोर्स घोटाले की वजह से एक बार फिर सुर्खियों में आया। ऐसे में परेशान अमिताभ ने फिल्म अजूबा के सेट पर अपने प्यार के जरिए प्रेस वालों को मिलने बुलाया। यहां बिग बी ने अपनी सफाई दी और कहा, पॉलिटिक्स तो मैं पहले ही छोड़ चुका हूं और ये भी बता दूं कि इमरजेंसी के दौरान लागू हुई सेंसरशिप में मेरा कोई हाथ नहीं था। इसके बाद ही अमिताभ पर लगा ये बैन ऑफिशियल खत्म हुआ और वो एक बार फिर मीडिया के चहेते बन गए।